Hello dear students, now we start our subject science class 5th. We have completed chapter 3rd skeletal system and its exercise. Let us start question answer of this chapter. Question first, name the different parts of human skeletal system. Describe any three. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के नेम लिखिए और उनमें से किन्हीं तीन को डिस्क्राइब करना है. ओके, आंसर स्कल, स्पाइन, रिबकेज, लिम्स एंड गर्डल्स आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं स्कल, स्पाइन, रिबकेज, लिम्स और गर्डल. अब इसमें से हम किन्हीं तीन को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है स्कल. द स्कल इज हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल कठोर और बोनी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, यानी स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ओके, इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. यह 22 बोन्स से बना है. All bones in the skull are fixed, but lower jaw can move, which enables us to eat and talk. स्कल की सभी बोन फिक्स रहती है, लेकिन लोअर जॉ यानी निचले जबड़ा ही मूव कर सकता है, जिससे हम लोग बोलते हैं और खाते हैं. नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे स्पाइन. इसको बैकबोन भी बोलते हैं. अपर बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा. हमारी बैकबोन 33 स्मॉल बोन से बनी है, जिसे वर्टिब्रा कहते हैं. द वर्टिब्रा जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रा साथ में जुड़कर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है. इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. यह स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. लास्ट हम लोग डिस्क्राइब करेंगे रिबकेज. द रिब्स आर थिन एंड कर्व्ड बोन्स. जो रिब्स हैं यानी पसलियां, वो थिन और मुड़ी हुई बोन से. दीज रिब्स 12 ऑन ईच साइड फॉर्म अ केज टू प्रोटेक्ट अवर हार्ट, लंग्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स. जो रिब्स होती है प्रत्येक साइड में 12 होती है और केज बनाती है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, लंग्स को और अदर इंटरनल ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स. यहाँ पर हम लोग मूवेबल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट के बीच डिफरेंस करेंगे. आंसर मूवेबल जॉइंट्स अलाउ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. जो मूवेबल जॉइंट्स होती है वो मूवमेंट को अच्छे से अलाउ करती है. शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. शोल्डर कंधे, एल्बो कोहनी, रिस्ट कलाई, इनकी जॉइंट्स एग्जाम्पल है मूवेबल जॉइंट्स के. वाइल इमोबिल जॉइंट्स डोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द बोन्स दे कनेक्ट. जबकि जो इमोबिल जॉइंट्स होती है वो किसी भी प्रकार के मूवमेंट को अलाउ नहीं करती, बोन्स जिससे भी जुड़ी होती है. स्कल एंड पेल्विक गर्डल आर द एग्जाम्पल ऑफ इमोबिल जॉइंट. स्कल और पेल्विक गर्डल इमोबिल जॉइंट्स के एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ डज अ हिंज जॉइंट वर्क, वेयर इज इट फाउंड इन अवर बॉडी. हिंज जॉइंट कैसे वर्क करती है और यह हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है. ए हिंज जॉइंट वर्क्स लाइक द हिंजेस इन अ डोर. हिंज जॉइंट काम करती है एक दरवाजे में कब्जे के समान. इट अलाउज मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन वन डायरेक्शन. यह मूवमेंट को अलाउ करती है बोन्स में एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में. दैट इज आइदर अप और डाउन. यह ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है. इट इज फाउंड इन अवर एल्बोस, फिंगर्स, नीज एंड टोस. यह पाई जाती है हमारी एल्बो में यानी कोहनियों में, फिंगर्स उंगलियों में, नीज घुटनों में और टोस अंगूठे में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स. डिफरेंस बताना है वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स में. आंसर द मसल्स दैट आर अंडर अवर कंट्रोल आर फॉर वॉलेंट्री मसल्स. मसल्स जो हमारे
कंट्रोल में होती हैं उन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स को हिंदी में ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मसल्स इन अवर आर्म्स लेग्स एंड आईज आर वॉलेंट्री मसल्स। हमारे आर्म्स की जो मसल्स होती हैं, लेग्स की मसल्स और आईज की मसल्स वॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल हैं। व्हाइल द मसल्स दैट वर्क बट आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। जबकि जो मसल्स वर्क तो करती हैं लेकिन वे हमारे कंट्रोल में नहीं होती उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स को हिंदी में अनिच्छिक पेशी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्स ऑफ स्टमक फुट पाइप एक्सेट्रा आर इनवॉलेंट्री मसल्स। स्टमक की दीवार फुट पाइप आदि इनवॉलेंट्री मसल्स के उदाहरण है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हाउ डज अ मसल हेल्प टू मूव बोन्स। एक मसल कैसे हेल्प करती है बोन्स को मूव करने में। आंसर ए मसल हेल्प्स टू मूव बोन्स बाय कंट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। मसल हेल्प करती है बोन्स को मूव करने में सिकुड़ने और फैलने के द्वारा। मसल्स कैन नॉट पुश मसल पुश नहीं कर सकती। टू सेट्स ऑफ मसल्स वर्क एट जॉइंट टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। मसल्स के दो सेट वर्क करते हैं जॉइंट में मूवमेंट लाने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नेम द 4 काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स के 4 काइंड्स को लिखना है यानी मूवेबल जॉइंट्स 4 प्रकार की होती है उनके नेम लिखने। ओके आंसर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हिंज जॉइंट्स पाइवट जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट आर द 4 काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हिंज जॉइंट्स पाइवट जॉइंट्स और ग्लाइडिंग जॉइंट्स ये 4 प्रकार की मूवेबल जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हाउ आर लिगामेंट्स डिफरेंट फ्रॉम टेंडन्स। लिगामेंट्स डिफरेंट है कैसे टेंडन से। आंसर ए स्ट्रॉन्ग एंड टफ बैंड दैट जॉइंस द मसल्स टू द बोन्स इज कॉल्ड टेंडन्स। एक मजबूत और टफ बैंड होता है जो जॉइन करता है मसल्स को बोन से उसे कहते हैं टेंडन्स यानी मसल्स को जो जॉइन करता है बोन से उसे हम लोग टेंडन्स कहते हैं। ओके व्हाइल टफ फाइबर्स बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट होल्ड बोन्स टुगेदर एट जॉइंट इज कॉल्ड लिगामेंट। जबकि कलेक्टिव टिश्यूज का टफ फाइबर्स बैंड जो क्या कहते हैं बोन्स को पकड़ता है जॉइंट पर साथ में उसे कहते हैं लिगामेंट्स। इन दिस वे लिगामेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम टेंडन्स। इस प्रकार से लिगामेंट्स डिफरेंट है टेंडन्स से। ओके राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक।